Press the bell icon for all the updates. फिर कुछ नहीं हुआ ऐसे। फिर उसके बाद हम दोबारा मिले कुछ 5-6 महीने के बाद एक शो के सिलसिले में, और फिर वहीं वो थे नज़दीकियाँ बढ़ती गई और इजहार वाली बात नहीं, हम एक दूसरे को जानने लगे थे अच्छे से, एक दूसरे को समझने लगे थे, और विदिन 3-4 मंथ्स ये समझ में आ गया था कि नहीं यार आई थिंक यही बेस्ट है अपने लिए, और उनको भी लगा शायद ऐसा। तो इजहार ऐसा नहीं हो, एंड इट्स होता ना कभी कभी आपको इजहार की ज़रूरत नहीं पड़ती है, हो जाता है प्यार, फिर उसके बाद शादी भी, फिर और हम ऐसे भी ऐसे नहीं थे कि हम 1 साल देखते हैं क्या होता है या 2 साल देखते हैं कैसा लगता है। हमने कहा चलो यार देखा जाएगा, करके देख लेते हैं, तो फिर पेरेंट्स से बात कर ली और शादी कर ली, और अभी 13 साल हो जाएंगे। आप जिससे प्यार करते हैं उसके लिए ऐसा एक दिन नहीं चुनते हो कि आज मैं इससे प्यार करूँगा, ऐसा नहीं होता ना। तो हमारे लिए रोज़ ही है ये, एक एक्स्ट्रा करने का दिन है कि आप जिनको चाहते हैं उनके लिए आप कुछ एक्स्ट्रा कर सकें या एक्स्ट्रा करें, तो कुछ एक्स्ट्रा किया जाएगा। अगर बता दूंगा फिर करूँगा कैसे। सबसे पहली सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है प्यार, अगर वो है आपके अंदर दोनों के लिए एक दूसरे के लिए, तो फिर बाकी बहुत सारी चीज़ें अनदेखी की जा सकती हैं। मतलब क्योंकि हर एक आदमी अलग है, उसकी क्वालिटीज़, उसकी लाइक्स डिसलाइक्स बहुत अलग अलग होती हैं। अगर आप सामने वाले को खुद जैसा बनाना चाहोगे तो फिर वो अलग कैसे रहेगा, तो वो हो नहीं सकता। तो जब आप ये निर्णय ले लेते हैं कि नहीं ये सामने वाला ऐसा है और मैं ऐसी हूँ, तो आई थिंक उसके बाद ना झगड़े होते हैं ना कन्फ्यूजन होता है ना और कोई मैटर होता है बीच में। तो हम लोग समझ चुके हैं दूसरे को अच्छी तरह से, और हमें पता है कि अगर हम अभी हम ऐसा है कि दूसरे को देख के बताते हैं कि मूड क्या है या वो क्या चाहती हैं क्या नहीं चाहती हैं, वो बहुत ज़रूरी है। तो एक कंपैटिबिलिटी नाम की चीज़ है, वो होना बहुत ज़रूरी है। आपको